हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई हो अच्छे होंगे। मेरा नाम है आरबिया तोरंबे, आप देख रहे हो टेक्नो 2.0। आज हम बताने वाले कि हिंदी दिवस से कुछ इस तरह पोस्टर डिजाइनिंग करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो में कहीं इधर देखो पासवर्ड मिलेगा आपको, दो PLP फाइल और दो पोस्टर फाइल में मिलेगा, ठीक है। एक सपा वाला होगा, एक नॉर्मल होगा, जो जो चाहे वो बना सकता है, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए, वीडियो में कहीं इधर देखो पासवर्ड मिलेगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप बनाना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको क्या करना है, पिक्सल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। पिक्सल एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो एक ही फाइल में आपको दो फाइल मिलने वाली है, वहाँ पर जाकर अनजिप कर लेना, ठीक है। आप जैसे ही आपको यहाँ पर PLP फाइल को ओपन करके न्यू टेस्ट को आपको क्या करना है, डिलीट कर देना है। यहाँ पर डिलीट करने के बाद 3 आइकन सेलेक्ट करना है, और इमेज गैलरी पर जाना है। आपको गैलरी पर जाएंगे, यहाँ पर आपको अपने गैलरी में जाओगे, जहाँ भी अनजिप करके रखो वहाँ पर दो फाइल अनजिप होगा, एक हिंदी दिवस होगा, एक हिंदी दिवस 2 करके है। और हिंदी दिवस 2 को मैं दिखा दूँ, सपा वाला है, सारा चीज़ मटेरियल मिलेगा। एक बार बैक हम करेंगे तो यहाँ पर फिर से आपको हिंदी दिवस वाले क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नॉर्मल दिखेगा आपको। एक हम इसको हम अनजिप करके एक माने एक डिजाइनिंग करके बता देते हैं, बाकी दोनों आप अपने हिसाब से डिजाइनिंग कर सकते हो। तो पहले हम बैकग्राउंड कुछ इस तरह से ले लेते हैं, पीला वाला बैकग्राउंड लेने के बाद फिर से प्लस वाला सेलेक्ट करेंगे, फोर गैलरी पे जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद फिर से आपको क्या करना है, एक बैकग्राउंड ले लेना है कुछ इस तरह का, आपको PNG मिलेगा, इसको सेलेक्ट करके इसका रिलेटिव साइज आपको कुछ इस तरह से फुल कर देना है, ओके कर देना है। फिर से प्लस वाला सेलेक्ट करेंगे, फोर गैलरी पे जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद फिर से कुछ इस तरह से लेंगे, जैसे मैंने लिखा हुआ है, आप सभी देशवासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ इस तरह से लेने के बाद इसका रिलेटिव साइज आप कुछ इस तरह से बढ़ा सकते हो, ओके कर देना। फिर से प्लस वाला सेलेक्ट करेंगे, फोर गैलरी में इस सब का PLP फाइल भी आपको दिया जाएगा। फिर से इस पर क्लिक करेंगे, अब वहाँ पर अपना फोटो सेलेक्ट करेंगे, फोटो कुछ इस तरह से लगा लेंगे, ओके कर देंगे। फिर से प्लस वाला सेलेक्ट करेंगे, फोर गैलरी जाएंगे, यहाँ पर अपना सोशल मीडिया आइकन लगाएंगे। उसके लिए अगर फिर से इसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सोशल मीडिया आइकन को हम यहाँ पर लगा देंगे, फिर ओके कर। अब यहाँ पर हम आपको क्या करना, अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए एक क्लिक करना है, यहाँ पर न्यू टेस्ट लेना है, न्यू टेस्ट को नीचे लेकर आना है, यहाँ पर दो बार टैप करना है और सारा रिमूव कर लेना। फिर से यहाँ पर आप समय ले लेता हूँ, RB यादव, ठीक है, RB यादव इस तरह लिख लेना है। उसके बाद आपको इसको साइज को कुछ इस तरह से बढ़ा लेना है, जिस इस तरह से आपको बढ़ाना चाहते हो इस तरह बढ़ा लेना। और थोड़ा सा और आगे जाएंगे, यहाँ कलर का ऑप्शन मिलेगा, कलर को आपको पीला रेड जो अच्छा लगे वो कलर करने में, मैं पीला कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। थोड़ा सा और आगे जाएंगे, यहाँ पर फ़ॉन्ट का ऑप्शन देगा, तो फ़ॉन्ट में काफ़ी ज़्यादा फ़ॉन्ट देखने को मिलेगा, लेकिन मैं माई फ़ॉन्ट पे जाकर यहाँ से बोल्ड फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। अगर आपको ये सब फ़ॉन्ट चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम से ज्वाइनिंग हो जाइए, वहाँ पर सारा फ़ॉन्ट को आपको हमने इनेबल कर दिया, वहाँ से जाकर 25-30 फ़ॉन्ट डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना सोशल मीडिया आइकन का नाम डालना है, आप यहाँ पर चाहो तो अपना डाल सकते हो। और उसके बाद आपको सेव कैसे करना, सेव का ऑप्शन क्लिक करना है, आपको सेव इमेज सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको क्वालिटी मांगे क्वालिटी अल्ट्रा कर देना है, उसका सेव टू गैलरी पे सेव करना। अगर आपको हमारा PLP फाइल से लेकर PNG फाइल तक सब कुछ हमको अच्छा लगा, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना, और आने वाला है रिलेटेड वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे।